ओ भाई कितनी गोली खाएगा, मर जा, कब मरेगा तू? अभी यार मतलब जिंदगी में कभी कोई खुशी मिलेगी या नहीं? तो यार कैसे हो तुम सब? अब यार एकेएम का पावर तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जो पहली क्लिप में तुम्हें देखा है ना भाई, उसके बाद जो एकेएम के मायने बदल गए हैं भाई साहब। एकेएम से बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, लिटरली उसकी पावर भी एकदम नॉर्मल है। तो अब यार बात कर लेते हैं गेम प्ले की। खैर पिछली बार क्या हुआ था कि लास्ट मोमेंट पर जो बाबा जी की बूटी थी यार वो धोखा दे गई थी। तो इस बार मैंने जो है तीन तीन टीममेट जो अपने साथ ऐड कर लिए हैं, क्योंकि यार कोई तो लास्ट में बचा ही लेगा। खैर इंट्रोडक्शन हो जाती है यार कि जो पहला नंबर है वो हमारे सब्सक्राइबर है, दूसरा खुद मैं ही हूँ भाई साहब, तीसरे जो है वो रैंडम टीममेट है, और जो चौथे नंबर पे है वो मेरे जिगरी दोस्त है। तो अब यार सिचुएशन ये है कि मैं और मेरा दोस्त जो है अलग ही एकदम दिशा में भाग रहे हैं, क्योंकि हमें सामने जो है दो स्कॉट्स दिख गई हैं और हम चाह रहे हैं कि उनको जाकर थर्ड पार्टी किया जाए। अब यार वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि वो स्कॉट जो है इसी तरफ आएगी, तो इसलिए यार मैं यहाँ पर छुप गया, क्योंकि मुझे पता था कि यार एक ना एक बंदा जो है वो इस तरफ जरूर आएगा। और जैसे भाई साहब यहाँ पर आए, मैंने नॉक कर दिया भाई जी। अब उसके पीछे पीछे यार उसका टीममेट भी आ गया और उसे मेरे टीममेट ने मार दिया। यार जैसे ही वो मरे, अब बारी थी उस स्क्वाड की जो यहाँ ऊपर थी, लेकिन इतने में ही जो है हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब नॉक हो गए। तो यार मैंने डिसीजन लिया कि सबसे पहले जो है हम सब्सक्राइबर भाई साहब को बचाएंगे, बाकी की बाद में देख लेंगे। खैर मैं गाड़ी में बैठा, हॉर्न दबाया और मेरा दोस्त भगा हुआ आ गया। अब यार उसके बैठते ही मैंने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई और सब्सक्राइबर भाई साहब के पास चले गए। खैर यार मैं सब्सक्राइबर की बोल रहा हूँ। अब यार हमने जैसे यहाँ पर रिवाइव करा, सामने से गोलियां चली, तो मैं भी अपने टीममेट की तरफ भाग रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा ग्रोजा लेकर मेरे पे चढ़ गया। और एज यूजुअल मैं नॉक हो गया। अब यार यहाँ पर टीममेट ने गजब की रफ्तार दिखाई, हम सबको बचा लिया। अब यार जैसे ही मैं रिवाइव हुआ, मैंने पहाड़ी पर एक बंदा देख लिया था और मैं उस पर चढ़ गया। खैर मैं सीधा ऊपर जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यार सीधा जाना सही नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा सा फ्लैंक किया। और भाई साहब एक बात बोलूं, अच्छा हुआ जो मैंने फ्लैंक किया, क्योंकि वो कार के पास नहीं पत्थर के पास छुपा हुआ था। अब यार मेरी बात सुनो, मेरे साथ दुनिया की हर उल्टी चीज तभी होगी जब मैं सबसे ज्यादा फंसा हुआ हूं। अब यहां पर जो ऊपर एक स्क्वाड है, तो मेरी स्क्वाड को मेरी जरूरत है, लेकिन भाई साहब लैग देखना जरा यहां पर। अब इस चक्कर में मेरा एक टीममेट जो है नॉक हो चुका है। अब यार मैंने उसे बचाने की कोशिश तो करी, बट यार बहुत देर हो चुकी थी। खैर सॉरी भाई। अब यार सर्कल ने जो है मेरा तीसरा टीममेट भी नॉक कर दिया था, लेकिन जो पहला टीममेट था उस भाई साहब ने जो है सिचुएशन को संभाल लिया, लेकिन भाई साहब वो भी पहुंचते पहुंचते नॉक हो गए थे। खैर मैंने उन्हें रिवाइव किया, लेकिन यहां पर मुझे टीममेट ने बताया था कि यार पीछे कोई बंदा आ रहा है, तो मैं उसे ढूंढने लगा। अब यार ये बंदा एक बड़ी मुसीबत बाद में बन सकता था, तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पहले इसे मारूंगा, ताकि यार ये बाद में कोई मुसीबत खड़ी ना कर पाए। लेकिन इसे मारने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि मेरा एक टीममेट जो है वो आगे जा रहा है, तो उन भाई साहब ने भी पीछे देखना जरूरी नहीं समझा। खैर मैंने इसे तो मार दिया, लेकिन भाई साहब जैसे ही मैं इसे लूट रहा था,
यार मेरी आंखों के सामने मेरे टीममेट की बलि चढ़ा दी गई। यार मैंने बचाने की कोशिश करी बट भाई क्या कर सकते हैं। यार यार मैंने अपनी ग्रोजा को लोड करा और मेरे टीममेट की जगह पर ही इसकी भी समाधि बना दी। अब जरा यार इस सिचुएशन को देखो, मैंने तीन टीममेट्स इसलिए चुने थे ताकि लास्ट में कम से कम एक टीममेट मेरे साथ रहे, लेकिन भाई नतीजा तुम्हारे सामने है। यार मतलब दो लोग हैं मेरे सामने ऑलरेडी, उसका टीम इसके साथ है लेकिन मेरा एक भी टीममेट मेरे साथ नहीं है। खैर वो दोनों उस तरफ हैं तो मैंने दो स्मोक फेंके ताकि मैं जो उनका एंगल कट कर सकूं और उनको देख सकूं, लेकिन जैसे ही मैं देखने गया भाई साहब मेरे पड़ी और गंदी पड़ी। खैर कोई गोली मुझे लगी नहीं तो मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं फ्लैंक करके दूसरी तरफ से जाऊं। अब यार जैसे सामने स्मोक हुआ मैंने भाई साहब ठान लिया कि मैं स्मोक में घुसूंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या उन्हें मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही मैं स्मोक में घुसा भाई साहब वहां तो कुछ और ही था भाई साहब, वहां पर बंदा था ही नहीं। अब यार मुझे किसी के पैरों की आवाज आई तो मैं लेट कर फायर करने लगा। ये बंदा कहां से निकला है? यार ये बंदा जो सामने पत्थर पे है पता नहीं क्या सोच रहा है। खैर मैंने फायर करा और यार चिकन डिनर। तो खैर यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर यार तुम्हें ये मुश्किल भरे हालात अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और यार कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय।